Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture of chapter number 1, I am going to discuss the third category of input devices, which is source data entry devices. Students, hum is lecture mein ye dekhenge ye devices kya hoti hain aur inki kuch examples ko detail mein discuss kiya jayega. Aur hum start karte hain the first device, which is barcode reader. Barcodes actually are the vertical zebra strip lines which are mostly present on the back of many products. जैसे कि आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एक स्टिकर टाइप होता है जिस पे हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट वर्टिकल लाइंस होती हैं और इसे किसी भी प्रोडक्ट पे पेस्ट कर दिया जाता है और इन वर्टिकल लाइंस में हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड स्पेसिफिकेशंस को इनकोड किया जाता है. तो इस तरह की डिवाइस जो इन बार कोड्स को रीड कर सकती है, इसमें हिडन या इनकोडेड इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट कर सकती है, इस तरह की डिवाइस को हम बार कोड रीडर का नाम देते हैं. इट इज यूजली लोकेटेड ऑन द प्राइस टैग ऑफ द प्रोडक्ट, यानी किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस जो है उसकी इंफॉर्मेशन भी इसमें इनकोड की जाती है. एंड दीज कोड्स आर ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड. इन लाइन्स को हम यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड का नाम भी देते हैं और इन लाइन्स को रीड करने के लिए जिस डिवाइस को यूज किया जाता है उसे बार कोड रीडर का नाम देते हैं. तो स्टूडेंट्स याद रखिए कि ये डिवाइस विद द हेल्प ऑफ रेज इस इंफॉर्मेशन को जब इंटरप्रेट करती है तो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसे ट्रांसफर कर दिया जाता है कंप्यूटर में फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग. और ये देखिए एक और हमारे पास एग्जांपल है यहाँ पे, जिसमें ये वर्टिकल लाइंस हमें नजर आती हैं और इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें कोई ना कोई कोड साथ जो है वो नजर आता है. समटाइम्स ये होता है कि अगर हमारा बारकोड रीडर इन लाइन्स को रीड ना कर सके तो फिर मैनुअली इन कोड्स को जो है वो एंटर कर दिया जाता है. इससे भी हमारी स्पेसिफिकेशन किसी भी प्रोडक्ट की कंप्यूटर पे डिस्प्ले हो जाती है. रिटेल शॉप्स नाउ यूज प्रिंटेड बार कोड्स ऑन द प्रोडक्ट टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ देयर सेल्स. स्टूडेंट्स इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये हुआ बार कोड रीडर्स को यूज करने का कि पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम पे जो एफिशिएंसी होती है वो इंप्रूव हो जाती है, आपका कोई भी काम जो है वो स्पीड अप हो जाता है और सबसे बड़ी बात हम किसी भी गलत एंट्री या मिस इंटरप्रिटेशन से जो है वो बच जाते हैं. तो जब हमारी एफिशिएंसी जो है वो इंप्रूव हो जाती है तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स लाइक जिसमें प्रोडक्ट्स को सेल किया जा रहा होता है वहां पे इस तरह की डिवाइस को फिर हम यूज करने में प्रेफर करते हैं. देन कम्स द नेक्स्ट डिवाइस विच इज MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन. और स्टूडेंट्स जैसा कि नाम से ही जाहिर है ये इस तरह की डिवाइस है जो मैग्नेटिक इंक से लिखे गए करेक्टर्स को रिकग्नाइज करने के लिए यूज की जा सकती है. MICR इक्विपमेंट इज यूज टू कन्वर्ट देम इन टू डिजिटल फॉर्म. ये जो करेक्टर्स मैग्नेटिक इंक में लिखे गए होते हैं इसे रीड करने के बाद अगेन डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है और इसे आप कंप्यूटर में फीड करते हैं ताकि आप अपनी रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी को गेट कर सकें. और इसकी स्टूडेंट्स एक एग्जांपल ये है कि हमारे पास जो बैंक के चेक्स होते हैं, चेक बुक जो होती है, इसमें बॉटम साइड पे मैग्नेटिक इंक से बैंक का अकाउंट नंबर जो है वो लिखा जाता है और जब हमें इस चेक को पास करवाना रिक्वायर्ड होता है तो हम इसे MICR से पास करते हैं और विद द हेल्प ऑफ अगेन रेज मैग्नेटिक इंक से लिखे गए करेक्टर्स को इंटरप्रेट किया जाएगा और इससे हमें पता चलेगा कि हमारा ये जो चेक है ये वैलिड है या नहीं है. तो ये डिवाइस जो है वो मोस्टली बैंक्स में यूज होती है जहां पे आप मैग्नेटिक इंक से लिखे गए करेक्टर्स की बेस पे ये डिसाइड करते हैं कि आपका कोई भी चेक ठीक है या नहीं है. अनदर डिवाइस इज ऑप्टिकल मार्क रीडर. जैसा कि नाम से जाहिर है स्टूडेंट्स ऑप्टिक मीन्स होता है लाइट. इसका मतलब है कि ये इस तरह की डिवाइस है जिसकी फंक्शनिंग ऑन द बेसिस ऑफ लाइट होगी और इसका जो काम ये होता है विद द हेल्प ऑफ लाइट ये डिफरेंट सिंबल्स को जो है वो आइडेंटिफाई करता है और इसे हम लाइक पेपर चेकिंग में जो है वो यूज करते हैं. अगर आपको बबल शीट स्टूडेंट्स याद है जिस तरह आप पेपर्स देते आए हैं या देते हैं तो बबल शीट में डिफरेंट सर्कल्स को जो है वो फिल कर दिया जाता है और इसी तरह जब आपने इस पेपर को विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर चेक करना होता है तो जो डिवाइस हम यूज करते हैं उसे हम OMR कहते हैं. प्री डिफाइंड पैटर्न इज गिवन इनटू दिस मशीन और जब इस पेपर को इस मशीन में से पास किया जाता है तो जो पैटर्न आपने दिया होता है उसके अकॉर्डिंगली उस पेपर को जो है वो मार्क्स दे दिए जाते हैं. तो ये हमारे पास वो डिवाइस है जो विद द हेल्प ऑफ लाइट डिफरेंट सिंबल्स को आइडेंटिफाई करती है और उसकी बेस पे जो है वो हम अपनी रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी से परफॉर्म करवा सकते हैं. Then comes another device which is optical character reader. This device is very much similar to OMR क्योंकि इसमें भी ऑप्टिकल का वर्ड यूज होता है और इसकी फंक्शनैलिटी भी
लाइट पे बेस कर रही होती है. और स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन ये है, दिस डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट इमेज करेक्टर्स इनटू कंप्यूटर करेक्टर्स, यानी इससे हम इमेज के करेक्टर्स को कंप्यूटर करेक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं. स्टूडेंट्स इमेज करेक्टर्स वो होते हैं जो किसी इमेज पे प्रेजेंट होते हैं और इन करेक्टर्स को चेंज नहीं किया जा सकता. लेकिन वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द करेक्टर्स रिटन ऑन एन इमेज, तो इस डिवाइस को यूज किया जाता है जो विद द हेल्प ऑफ लाइट डिफरेंट करेक्टर्स को या वर्ड्स को आइडेंटिफाई करती है और देन उन्हें इस तरह की फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है जिसे हम विद द हेल्प ऑफ एनी टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर चेंज कर सकते हैं. स्टूडेंट्स ये राइट साइड पे आपको डायग्राम नजर आएगी जिसमें आप ये देख सकते हैं कि मोबाइल डिवाइसेज या स्मार्टफोन्स जो होते हैं जो हम आजकल यूज कर रहे होते हैं इसमें भी OCR का फीचर अवेलेबल होता है. और जब हम किसी भी इंग्लिश के टेक्स्ट को स्कैन करते हैं तो ये OCR की फंक्शनैलिटी हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि हम डिफरेंट वर्ड्स के मीनिंग्स डिक्शनरी से गेट कर सकते हैं या इस तरह के डॉक्यूमेंट को हम जब स्कैन करते हैं तो हम किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो इस टेक्स्ट को एडिट भी कर सकते हैं. और अगेन ये एक ट्रिकी प्रोसेस होता है क्योंकि इसमें हमें केयरफुली चेक करना पड़ता है कि हमारी कन्वर्जन जो है वो ठीक है या नहीं है. और स्टूडेंट्स याद रखिए कि हमारा ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन इतना इंटेलिजेंट होता है कि मोस्टली जो इसकी कन्वर्जन होती है वो 90% से अबव जो है वो करेक्ट होती है और हम इससे अपनी रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी को अगेन गेट कर सकते हैं. देन कम्स अनदर डिवाइस विच इज मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड. जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये एक हमारे पास कार्ड होता है जिसकी बैक पे एक मैग्नेटिकली इनकोडेड डाटा होता है जो कि आप ये राइट साइड डायग्राम में देख सकते हैं. ये हमारे पास एक कार्ड है और ये हमारे पास एक वो मैग्नेटिक स्ट्रिप है जिसमें जो है वो डाटा को इनकोड किया गया है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट नंबर्स और इन नंबर्स को रीड आउट करने के लिए क्रेडिट कार्ड रीडर्स को जो है वो यूज किया जाता है. ये रीडर्स इस तरह के होते हैं जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. इस कार्ड को इस डिवाइस में से जब स्वाइप किया जाता है तो इस स्ट्रिप की बैक पे जितने भी नंबर्स होते हैं इनकोडेड फॉर्म में जिन्हें ह्यूमन आई रीड नहीं कर सकती है वो सब डीकोड हो जाते हैं और डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसे कंप्यूटर में ट्रांसफर किया जा सकता है या इसी डिवाइस के अंदर भी इसकी फंक्शनैलिटी को गेट किया जा सकता है. तो ये कार्ड हमें बताता है कि जिसे स्वाइप किया गया है वो ठीक है या नहीं है. और इस कार्ड को यूज किया जा सकता है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए या पब्लिक प्लेसेस पे पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हम इस तरह के कार्ड्स को यूज कर सकते हैं. देन कम्स स्मार्ट कार्ड. और स्टूडेंट्स इसको स्मार्ट कार्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि ईच स्मार्ट कार्ड हैज इट्स ओन माइक्रो प्रोसेसर एंड अ मेमोरी यूनिट. और इसकी बेसिक फंक्शनैलिटी ये होती है कि ये डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स और उनके रिकॉर्ड्स को अपने अंदर स्टोर करता है और खुद से परफॉर्म करता है. माइक्रो प्रोसेसर क्योंकि प्रोसेसर किसी भी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करने वाले यूनिट को कहेंगे और उनके रिजल्ट्स को स्टोर करने वाले यूनिट को हम मेमोरी का नाम देते हैं. इट इज यूज टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ चेंजेस लाइक डिडक्टिंग परचेजेस फ्रॉम द अमाउंट एंटर्ड ओरिजिनली ऑन द कार्ड. यानी जब आप डिफरेंट आइटम्स को परचेज करते हैं और आप जब स्वाइप करते हैं अपने कार्ड को तो अमाउंट को एंटर किया जाता है और आपका ये स्मार्ट कार्ड जो होता है वो उन चेंजेस को रिकॉर्ड करता है और अपने अंदर स्टोर करता है. और इसी की एक और एग्जांपल हमारे पास सिम की फॉर्म में है जो कि हम मोबाइल फोन्स में यूज करते हैं. तो स्टूडेंट्स ये देखिए ये पोर्शन इसका प्रोसेसर वाला पोर्शन है जहां से सिग्नल्स की ट्रांसमिशन और रिसीविंग होती है और हम इस सिम में डिफरेंट मैसेजेस और कॉन्टेक्ट्स को स्टोर कर सकते हैं. वो हमारे पास ये मेमोरी वाला पोर्शन होता है. इट हैज अ न्यू सेंसर टेक्नोलॉजी दैट कैन रीड योर फिंगरप्रिंट्स ऑन द कार्ड. हमारे न्यू स्मार्ट कार्ड जो हैं वो सेंसर टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं जिसमें सेंसिंग से रिलेटेड जो है वो काम किया जा रहा होता है. लाइक आप फिंगरप्रिंट्स को जो है वो इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं. द डिजिटल इमेज ऑफ द फिंगरप्रिंट इज देन ट्रांसमिटेड टू द डेटाबेस जो रिकॉर्ड कीपिंग के तौर पर जो है वो यूज किया जाएगा. इन द डेटाबेस इट इज कंपेयर्ड विद द रिकॉर्ड. और जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन टेक प्लेस करते हैं तो आपके उस वक्त एंटर्ड रिकॉर्ड को आपके डेटाबेस में स्टोर्ड रिकॉर्ड से कंपेयर किया जाता है जिससे आपकी आइडेंटिफिकेशन भी हो जाती है और आपकी ट्रांजेक्शंस प्रोसेस भी हो जाती हैं. न्यू सिम कार्ड्स एंड ATM कार्ड्स आर द एग्जांपल्स ऑफ स्मार्ट कार्ड्स. देन कम्स फैक्स मशीन. इट इज ऑल्सो नोन एज फैसीमाइल ट्रांसमिशन मशीन. स्टूडेंट्स याद रखिए कि ये जो फैसीमाइल वर्ड है इसका मतलब होता है कॉपी. यानी ये इस तरह की मशीन है जिससे हम अपनी इंफॉर्मेशन की कॉपी को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन डिजिटल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन लाइन ट्रांसफर कर सकते हैं. और आप इसकी एक ये डायग्राम राइट साइड पे देख सकते हैं. और इसमें ये देखिए कि ये हमारे पास एक टेलीफोन होता है और ये हमारे पास इसका वो ट्रे होता है जहां पे हम किसी भी फैक्स मैसेज को
या तो सेंड करने के लिए यूज करते हैं या रिसीव करने के लिए यूज करते हैं। और मार्केट में स्टूडेंट्स हमारे पास मल्टी फंक्शन फैक्स मशीन्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन इस तरह की मशीन जो सिर्फ और सिर्फ फैक्स सेंड और रिसीव करने का काम करती है, इस तरह की मशीन को हम डेडिकेटेड फैक्स मशीन का नाम देते हैं। और ये डेडिकेटेड फैक्स मशीन्स कंपैरेटिवली क्वालिटी में बेहतर होती है। फैक्स मॉडेम्स आर द सर्किट बोर्ड्स इनसाइड द कंप्यूटर्स एंड इट हैज द एबिलिटी टू सेंड द सिग्नल्स डायरेक्टली टू द अदर फैक्स मशीन्स और कंप्यूटर्स। इससे हमें पता ये चला कि हम फैक्स मशीन से ना सिर्फ डायरेक्टली किसी दूसरे फैक्स मशीन पे मैसेज भेज सकते हैं, बल्कि आप किसी कंप्यूटर पे भी मैसेज भेज सकते हैं। और कंप्यूटर से डील करने के लिए ऑलवेज हम इसमें फैक्स मॉडेम्स को जो है वो यूज कर रहे होते हैं। और ये फैक्स मॉडेम्स जो हैं वो हमारे एक्सटर्नली भी अवेलेबल होते हैं, जिन्हें आप कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं। तो फैक्स मशीन इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेज। देन कम्स अनदर कॉमन डिवाइस विच इज बींग यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड इज स्कैनर। और स्कैनर इस तरह की एक डिवाइस होती है जिसे जब भी कोई ऑब्जेक्ट इसकी सरफेस पे रखा जाता है तो ये उसके इमेज को कंप्यूटर में स्टोर कर देता है। स्कैनर अलाउज यू टू ट्रांसफर द पिक्चर्स एंड फोटोग्राफ्स टू योर कंप्यूटर एंड इट वर्क्स जस्ट लाइक अ फोटोकॉपी मशीन। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिए कि इसकी जो फोटोकॉपी होती है वो हार्ड कॉपी नहीं होती है, बल्कि आपका इमेज सॉफ्ट फॉर्म में कंप्यूटर की मेमोरी में जाकर स्टोर होता है। देन आप उसे डिजिटली प्रोसेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, आप उसे चेंज कर सकते हैं इमेज प्रोसेसिंग के लिए, और जो भी आप इमेज इसके साथ करना चाहें वो इसे किया जा सकता है। इमेज स्कैनर स्कैन्स कलर्स और ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस, यानी आपकी स्कैनिंग जो है वो कलर में भी होती है और वो ब्लैक एंड व्हाइट में भी होती है। और जो हमारे लेटेस्ट स्कैनर्स हैं, जैसा कि मैंने भी आपको प्रीवियसली बताया कि इसका एक फीचर होता है OCR, जो कि इमेज को जब स्कैन करता है तो इसमें लिखे गए करेक्टर्स को एडिटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ताकि उसे विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर चेंज किया जा सके। इट कन्वर्ट्स देम डिजिटल फॉर्म, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रास्टर ग्राफिक्स। जब आपका इमेज स्कैन होने के बाद डॉट्स में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ लाइट, तो इस तरह के ग्राफिक्स को आप रास्टर ग्राफिक्स का नाम भी देते हैं। रास्टर ग्राफिक्स इज अ टेक्निक इन विच इमेज इज स्टोर्ड एज अ मैट्रिक्स ऑफ डॉट्स। कंप्यूटर की मेमोरी में जब इमेज को स्टोर किया जाता है तो डिफरेंट कलर्स के मैट्रिसेस जो हैं वो बनाए जाते हैं। तो जब भी आपका इमेज मैट्रिक्स की फॉर्म में स्टोर होता है जिसमें डिफरेंट डॉट्स पड़े होते हैं, तो इस तरह के इमेज की टेक्निक को हम रास्टर ग्राफिक्स का नाम देते हैं। देन कम्स अनदर डिवाइस विच इज साउंड इनपुट कार्ड। जैसा नाम से जाहिर है स्टूडेंट्स, ये इस तरह की एक डिवाइस होती है जिसका काम साउंड की इनपुट लेना होता है, और ये हमारे साउंड के सिग्नल्स को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है एनालॉग से, और जिसे हम कंप्यूटर में फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। और इसकी एक डायग्राम जो है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये हमारे पास जो है वो माइक्रोफोन फिट करने के लिए होता है, और यहाँ से आपकी जो है वो साउंड गेट की जाती है जो कि आपके कंप्यूटर में प्रोसेस हो रही होती है किसी ऑडियो या वीडियो के लिए। तो इस तरह के कार्ड को हम साउंड इनपुट कार्ड का नाम देते हैं। साउंड कार्ड अलाउ कंप्यूटर्स टू प्रोड्यूस साउंड लाइक म्यूजिक और वॉइस। इट इज अ सर्किट बोर्ड दैट कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल फॉर्म। और जो हमारे पुराने ओल्ड कार्ड्स होते थे वो 8 बिट के और 16 बिट के थे, और जाहिर है जिसकी बिट्स ज्यादा होती हैं वो उतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और आजकल जो हम साउंड कार्ड्स यूज करते हैं वो 32 बिट के भी अवेलेबल हैं। और स्टूडेंट्स इसके लिए एक डिवाइस होती है माइक्रोफोन, जो कि एनवायरनमेंट में से या आपकी सराउंडिंग्स में से साउंड को कैप्चर करती हैं, और ये एक रूट प्रोवाइड करती हैं जिससे हमारी साउंड कंप्यूटर तक पहुंचती है, और उसमें फिर आपका ये कार्ड उस साउंड के एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। टू गेट द बेटर रिजल्ट्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मस्ट बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू द कंप्यूटर्स। जिस तरह साउंड को मैनेज करने के लिए साउंड कार्ड होता है, इसी तरह विद इन कंप्यूटर वीडियो को मैनेज करने के लिए वीडियो इनपुट कार्ड जो है वो यूज किया जाता है। और दिस वीडियो कैप्चर कार्ड इज यूज्ड टू कन्वर्ट फिल्म्स और वीडियोस इनटू डिजिटल फॉर्म। जिस तरह साउंड कार्ड ने साउंड को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया था, इसी तरह जो वीडियो इनपुट कार्ड है ये वीडियो सिग्नल्स को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और इसकी जो डायग्राम है वो कुछ ही आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें एक इनपुट यूनिट होता है और एक आउटपुट यूनिट होता है। वीडियो कार्ड्स अलाउ कंप्यूटर्स टू डिस्प्ले वीडियो एनिमेशन एंड टेलीविजन सिग्नल्स। और स्टूडेंट्स याद रखिए कि ये जो वीडियो कार्ड्स हैं ये
फ्रेम्स की बेस पे जो है वो अपनी फंक्शनैलिटी कर रही होती हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेम्स दीज इनपुट कार्ड्स आर ऑफ टू टाइप्स. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड फ्रेम ग्रैबर वीडियो इनपुट कार्ड एंड द अदर वन इज कॉल्ड फुल मोशन वीडियो इनपुट कार्ड. और अब हम ये देखते हैं कि इन दो तरह के कार्ड्स में क्या फंक्शनैलिटी होती है. तो सबसे पहले फ्रेम ग्रैबर के लिए देखिए, दिस कार्ड कैन कैप्चर एंड डिजिटाइज अ सिंगल फ्रेम एट अ टाइम. ये इस तरह का वीडियो इनपुट कार्ड होता है जो एक वक्त में सिर्फ एक फ्रेम को डिजिटाइज करता है. और याद रखिए कि जब भी हमारी कोई वीडियो या एनिमेशन जब डेवलप होती है तो वो डिफरेंट फ्रेम्स या इमेजेस का कॉम्बिनेशन होती है, जिसमें ग्रेजुअली डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को जो है वो मूव किया जा सकता है. तो ये इस तरह का वीडियो इनपुट कार्ड है जो एक वक्त में सिर्फ एक फ्रेम को ही डिजिटाइज करता है. और इसकी एग्जाम्पल हम यूं ले सकते हैं, जैसे क्रिकेट मैच में जब एक थर्ड अंपायर की तरफ डिसीजन होता है कि रन आउट है या नहीं है, तो आप ये देखिए एट द टाइम जो बैट है वो क्रीज की लाइन पे आता है तो एक एक फ्रेम को डिजिटाइज करके देखा जाता है कि बैट्समैन जो है वो आउट है या नहीं है. तो एट दैट टाइम हम फ्रेम ग्रैबर वीडियो इनपुट कार्ड को यूज कर रहे होते हैं. सेकेंड आ जाता है फुल मोशन वीडियो इनपुट कार्ड. स्टूडेंट्स, ये वो कार्ड होता है जो एक वक्त में 30 फ्रेम्स को जो है वो प्रोसेस कर सकता है. और जितना फ्रेम रेट जो है वो ज्यादा होता है, मोशन हमें उतनी ज्यादा स्मूथ मिलती है. दीज आर द टू टाइप्स ऑफ वीडियो इनपुट कार्ड. उसके बाद एक डिजिटल कैमरा आ जाता है. स्टूडेंट्स, आपको पता है ये आजकल यूज होने वाली सबसे ज्यादा डिवाइस है जो ना सिर्फ इमेजेस को कैप्चर करती है बट वी कैन ऑल्सो रिकॉर्ड ऑडियो एंड वीडियो एज वेल. द इमेजेस आर स्टोर्ड ऑन द मेमोरी चिप. इसमें जो डाटा होता है वो मेमोरी कार्ड में स्टोर होता है. और ये मेमोरी कार्ड जो होता है इसका जो कैपेसिटी जो है वो वेरिएबल होती है. हम अपनी मर्जी के मुताबिक 1 GB 2 GB के डिफरेंट कार्ड इसमें लगा सकते हैं. और सबसे बड़ी बात, इसका डिफरेंस एक ऑर्डिनरी कैमरा से ये होता है कि जब ऑर्डिनरी कैमरा में हम रील डालते थे और कोई इसमें जो है वो इमेज को गेट किया जाता था या फोटोग्राफ जो है वो ली जाती थी, तो एक बार प्रेस करने पे जब इमेज लिया गया तो अब उसको चेंज नहीं किया जा सकता. लेकिन डिजिटल कैमरे की क्वालिटी ये है कि इसमें आप जब डिफरेंट फोटोग्राफ्स को लेते हैं, अगर वो ठीक नहीं होती तो उन्हें इजीली रिमूव भी किया जा सकता है. और फिर इसका एक और एडवांटेज ये भी है कि हम इजीली विद द हेल्प ऑफ राइट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हम अपने डाटा को इजीली कंप्यूटर के साथ अटैच भी कर सकते हैं और इसे ट्रांसफर भी कर सकते हैं. तो टेक्निकली अगर देखें तो जिस डिवाइस के साथ डिजिटल का वर्ड यूज होता है वो कंपैरेटिवली क्वालिटी में ऑर्डिनरी डिवाइस से बेहतर होती है. उसके बाद आ जाता है वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, जिसे आप VCR के नाम से याद करते हैं. स्टूडेंट्स, ये एक एनालॉग डिवाइस है जैसा कि आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं. इसमें एक फिल्म जो है वो डाली जाती थी जिसमें एक मैग्नेटिक टेप जो है वो चलती थी जिसमें एनालॉग डाटा जो है वो रिकॉर्ड किया जाता था ऑडियो और वीडियो का. और दो इट इज नॉट अ डिजिटल डाटा, यू कैन स्टिल गेट गुड रिजल्ट्स विद द राइट सॉफ्टवेयर. और ये हमारे पास वो फिल्म है जिसका यूज जो है वो अब नहीं है, इसको रिप्लेस कर दिया है DVDs ने. और जो DVD का साइज है वो कंपैरेटिवली इससे बहुत लेस है, लेकिन उसकी कैपेसिटी जो है वो स्टोरेज की वो इससे बहुत ज्यादा है. तो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस. इट टेक्स द ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टोरेज, फोटोज मेक फॉर वेरी लार्ज फाइल्स. उसके बाद आज के लेक्चर की लास्ट डिवाइस आती है वेबकैम. और स्टूडेंट्स, ये वो कैमरा है जो हम इंटरनेट के साथ यूज करते हैं आउटसाइड वर्ल्ड को व्यू करने के लिए. अ वेब कैम इज अ टाइनी वीडियो कैमरा डिजाइंड स्पेशली टू सिट ऑन योर कंप्यूटर. यानी हम विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट आउटसाइड थिंग्स को जो है वो व्यू कर सकते हैं. इट फीड्स पिक्चर्स डायरेक्टली टू द कंप्यूटर, नो टेप और फिल्म टू डिवेलप. स्टूडेंट्स, याद रखिए कि जब हम वेब कैम को यूज कर रहे होते हैं तो हमें जरूरी नहीं होता कि वीडियो को या ऑडियो को रिकॉर्ड किया जाए, बल्कि डायरेक्टली आउटसाइड थिंग्स को हम व्यू कर सकते हैं. इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज किया जाता है, जैसा कि आजकल यूनिवर्सिटीज में भी है कि विद द हेल्प ऑफ कैमराज और इंटरनेट एक जगह पे लेक्चर दिया जाता है, लेकिन उसे बहुत सी दूर जगहों पे क्लासेस जो होती हैं वो उन्हें अटेंड कर सकते हैं. तो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ वेब कैम. दे शो द वर्ल्ड व्हाट्स गोइंग ऑन आउटसाइड देयर विंडोज. और इसे वेदर एनालिसिस में या ट्रैफिक सिग्नल्स की कंट्रोलिंग में भी वेब कैम्स का को यूज किया जा सकता है. तो इस तरह हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे एंड होता है, जिसमें हमने सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस को डिस्कस किया. थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़.